गुड मॉर्निंग यू गाइस, अभी फ़िलहाल बज रहे हैं कुछ 6 o'clock सुबह के, और मैं उठी हूँ बिकॉज आई हैव माई जर्मन लेक्चर. इंडियन टाइम अनुसार 10:30 to 12 है, तो अभी फ़िलहाल मैं उठी हूँ, लेक्चर करूँगी एंड उसके बाद मुझे और वर्किंग में भी जाना है अपने जॉब के लिए. तो लेट्स स्टार्ट अवर डे. That's true. टीचर का तो इम्पोर्टेंस है. इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि टेल्क या फिर लाइक DSH की एग्जाम दे दूँ. वैसे आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग दैट आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक बिकॉज इफ यू गाइज डोंट नो आई हैवन्ट अपडेटेड एक्चुअली. तो दिस वीक आई हैव माई एग्जाम, लाइक माई फाइनल एग्जाम, द फाइनल रिटन एग्जाम. सो दिस इज प्रॉब्ली गोना बी मोस्टली प्रॉब्ली गोना बी द लास्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, लास्ट रिटन एग्जाम ऑफ माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, because my master's is kind of getting over. Only thing left abhi is the internship and the master thesis. So master thesis maybe I just have to write the thesis and then give the presentation. I am not gonna give any written exam as such. So I don't know, I just am feeling very nostalgic while I'm studying. So I thought of sharing this. So it's like a happy feeling. I'm very, very, very excited for my exam. It is day after tomorrow. So I'm gonna anyways vlog this whole thing. I'm actually vlogging. मैं कल परसों कितने 2-4 दिन से vlog ही कर रही हूँ मैं. The last thing that I'm studying right now is something like related with the macroeconomics, some advanced economic थिंग नोट्स जो ऐसे मैंने बैठे बैठे बनाया है फिर फिलहाल, विच आई माइट नॉट डू इट एनी मोर. सो या हेलो गाइज, तो वी आर रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी. एक्चुअली आई डोंट हैव माई लेक्चर्स डे, बस मुझे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करनी थी. कल मेरा एक लास्ट पेपर है जो मैंने कल बताया था लास्ट क्लिप में. घर बैठ के पढ़ाई मेरी हो नहीं रही है बिकॉज़ मैं बैठती हूँ घर पे, बेड दिखता है तो नींद आ जाती है. तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाके कुछ पढ़ाई कर लूँ और फिर खाना बनाने भी नहीं लगेगा बिकॉज़ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कुछ खा लूँगी. तो इन शॉर्ट अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, उसके पहले जाएंगे हम ALDI, कुछ स्नैक्स उठा लेंगे बेकरी से, फिर वहाँ से जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी. लास्ट फ्यू डेज ऑफ द क्रिसमस मार्केट, ये वीक में ख़त्म हो जाएगा.
सो फाइनली लेफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. अभी मैं यहाँ से कुछ खाने लेके जाऊंगी घर पे. ठंडी है, ठंडी से ज़्यादा भी मैं ट्रैक करके ऐसे आई हूँ ऊपर. ऐसे लग रहा है यूनिवर्सिटी ऐसे ज़रा स्लोप पे है, जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है. तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगी, कुछ खाने लूँगी और फिर डायरेक्ट घर पे. अभी कुछ बज रहे 6:15 और थोड़ा पढ़ाई बाकी है तो वो भी कंप्लीट करना है. और कल का मैं पूरा दिन रिवीजन के लिए रखने वाली हूँ, तो कुछ तो रिवीजन हो, बिकॉज इतना पढ़ लिया ऐसे लग रहा है कि सब दिमाग में मिक्स हो रहा है. तो कल ज़रा सॉर्ट करूँगी दिमाग से सारा थिंग्स और फिर शाम को एग्ज़ाम देने जाऊँगी. Guys, so welcome to another new day. Already morning start हो चुका है मेरे German class के साथ as usual. आजकल week में शायद 3-4 दिन मेरा वही चलता रहता है, तो nothing new. अभी फिलहाल मैं सुबह उठ के German class करके फिर से सो गई थी, because obviously मुझे नींद आ रही थी. मैं सुबह सुबह इतने नहीं उठती, तो आज कुछ काम था नहीं. बाय द वे आज है 25 दिसंबर, द क्रिसमस डे. तो इंडिया से बहुत अलग है यहाँ पे, बिकॉज 25 दिसंबर क्रिसमस इन इंडिया इट्स लाइक फन 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 फन, राइट. यहाँ पे देखोगे आप रोड पे एक कोई दिखेगा नहीं, सुनसान. सो इट इज़ लाइक टोटली डिफरेंट, बिकॉज ये लोग मानते हैं कि 25 दिसंबर या फिर क्रिसमस ईव 24th ऑफ दिसंबर और 26th को भी उनका कुछ होता है. सो लाइक इसे 3 दिन दे गिव इट टू देयर फैमिली, सो दे स्टे विद देयर फैमिली और फैमिली डिनर्स वगैरह होते हैं. 26th को वो स्पेशली ऐसे कुछ फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं. सो या आई मीन दिस इज डिफरेंट. हेलो, तो हम किचन में आ चुके हैं. मैं से थोड़ी सी फ्रेश होके अभी फ़िलहाल मुझे अभी नहाना भी है वैसे, बट मुझे भूख लग रही है तो लंच बनाना है. एक मिनट, आवाज़ आ रही है तो मैं विंडो बंद करके आ रही हूँ. गुड. ओके, तो फिर हम बनाने वाले हैं आज गुआकामोली एग टोस्ट. तो जिनको नहीं पता कैसे बनता है, तो मैं सिर्फ ट्यूटोरियल देने वाली हूँ. आई मीन शेफ जेबी का भी खाना देखी हो. ओके, तो मैं सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है. वो मेरा एक नेबर है यहाँ पे, वो फ्रेंच में बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ताकि गॉसिप मिले कुछ, बट अभी इग्नोर करो उसे. बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दूंगी. मुझे ऐसे बातें करनी थी बोलते करते करते, बट आई होप वो अभी नहीं आएगा. गाइज वो चला गया, उसका जो बर्तन था यहाँ पे वो चला गया. गुड, तो अब पूरा किचन मेरा है. मेरे फ्लोर पे ना यही एक ना फ़ायदा है कि पूरा फ्लोर से खाली खाली सही रहता है और मैं लाइक पूरा किचन ऐसे लगता है कि मेरा ही है.
वो गर्म होने तक मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि मेरी एग्ज़ाम हो गई है। मैंने कल परसों आई थिंक मैंने लास्ट वीक में बोला था कि मेरी एग्ज़ाम है, लाइक लास्ट है थर्सडे को हो चुकी है, आज है कुछ सैटरडे, तो एग्ज़ाम हो चुकी है और मैं हूँ लाइफ में अभी फ्री। तो मैं डालने वाली हूँ एक ऐसे क्वेश्चन वाला पोस्ट जहाँ पे यू गाइस कैन जस्ट पुट ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में है, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्पेशली जो जो आपको चाहिए, लाइक पुट ऑल द क्वेश्चंस देयर। तो मैं ट्राई करूँगी कि सम अप कर लूँ, एक क्यू एंड ए वीडियो बना दूँ या फिर अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनाऊँ। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फोकस करने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो सपोर्ट मी एज यू ऑलवेज डू। Talking with my bestie to this Sakshi Asagar. Bhai, aaj ka weather is shit. Bahut cloudy ho raha hai aaj. It's like sun aaj pure din ek bhi baar nahi nikla hai. Oh god. To na do teen din se main ek chocolate kha rahi hu. और आई वॉन्ट टू रेकमेंड दैट इफ इन केस, मुझे पता नहीं शायद इंडिया में भी मिलता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे अगर जर्मनी में कोई हो प्लीज़ ईट दिस चॉकलेट रफेलो करके, सो गुड। थोड़ा सिमिलर फेरो रोशर जैसा है बट ओनली डिफरेंस इज कि इसमें थोड़ा कोकोनट है, थोड़ा नहीं मतलब ये पूरा ग्रेटेड कोकोनट का है और उसके अंदर कोकोनट क्रीम एंड चॉकलेट, लाइक वाइट चॉकलेट, बहुत अच्छा है, खाओ खाओ। लेट मी जस्ट शो यू गाइज व्हाट यू गाइज आर मिसिंग ऑन, वेट। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिख रहे ग्रेटेड कोकोनट है ऊपर, उसके अंदर क्रीम, कोकोनट क्रीम, वाइट चॉकलेट, सो गुड। मेन ये ज्यादा मीठा नहीं है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीटनेस, जस्ट हाउ आई लाइक इट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई का आज बर्थडे भी था, 25th of December, तो उसी बहाने केक, मैं भी तो सेलिब्रेट करूँ ना, इधर हूँ मतलब ऐसे नहीं कि मैं खा नहीं सकती केक। माय डेसर्ट बिकॉज टुडे इज क्रिसमस एंड आई डिजर्व अ क्रिसमस केक। बिस्मिल्ला नहीं आता यार, ठीक है। यहाँ से हब्बानों की होगा।
क्वाइट फार। मेरी एज 22 पे है। हे गाइस, अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ। शिट, अभी तक मेरे हाथ ना ऐसे फ्रीज लग रहे हैं, तो रेड रेड फ्रीज है, से बंद भी नहीं हो रहे ठीक से। हम वॉक पे गए थे, ठंडी थी ना इतनी बाहर, बाप रे, ऊपर से बारिश, ऐसे ड्रिजल 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 हो रही है ठंडी से। और मुझे लगा कि कैसे ये बाहर जाके थोड़े टाइम में आ जाएंगे, भाई बहुत चले 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 जार के, लाइक बहुत आगे तक गए थे रिवर के, ठंडी में वो भी। तो फ्रीज हो चुकी हूँ मैं। अभी मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ हल्दी का दूध, गरम गरम पी के मस्त सोने वाली हूँ। तो आई एम एक्चुअली गोना एंड माय व्लॉग हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।